पिछले वीडियो में आप लोगों ने ये देख ही लिया था कि हम लोग अर्धकुमारी तक पहुंच गए थे। तो आज हम लोग माता वैष्णो देवी की चढ़ाई करना शुरू करेंगे। तो अब हम लोग माता वैष्णो देवी का चढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम लोग माता वैष्णो देवी के लिए चढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर एक कैफ़े में रुके हुए हैं और यहाँ पर बहुत तेज़ हवा भी चल रही है। दोस्तों, यहाँ पर माता वैष्णो देवी की चढ़ाई बहुत कठिन है, मगर यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आधी चढ़ाई कर चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि चढ़ाई करते समय पहाड़ कैसे दिखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बंदर पेप्सी पी रहा है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने ये देखा था कि एक बंदर सेब खा रहा था, मगर यहाँ पर एक बंदर पेप्सी पी रहा है। यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि प्रकृति की सारी खूबसूरती यहीं पर है। आप लोग जब भी यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर माता वैष्णो देवी के पहुँच चुके हैं। तो मैं माता वैष्णो देवी से दिखाती हूँ कि हमारा नीचे के शहर कैसा दिखता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि माता वैष्णो देवी के मंदिर से यहाँ पर कैसा दिखता है पूरा शहर। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहाड़ यहाँ पर कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने अच्छे पहाड़ लग रहे हैं। जब हम लोग चढ़ाई कर रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी और मैं आप लोग को ये दिखाती हूँ कि पहाड़ यहाँ पर कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर एक हाथी की मूर्ति भी है और दोस्तों, हम लोग वहाँ पर कश्मीरी ड्रेस में एक फ़ोटो भी खिंचवाए थे। और ये माता वैष्णो देवी के बाहर की फ़ोटो है। तो दोस्तों, अब हम लोग भैरव बाबा की चढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग भैरव बाबा की चढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं और यहाँ पर बहुत तेज़ हवा भी चल रही है। भैरव बाबा की चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई और बहुत कठिन है। तो अब हम लोग भैरव बाबा पहुँच चुके हैं।